हेलो बच्चों, नाइन्थ स्टैंडर्ड का सेकंड सेमेस्टर का ये क्वेश्चन पेपर है मैथ्स वन का। देख सकते हो यहाँ पे। वापस से मैं बता देती हूँ कि अभी फ़िलहाल जो मैं ये सारे वीडियोस अपलोड कर रही हूँ क्वेश्चन पेपर का, ये उस यूनिट टेस्ट वाला जो पब्लिकेशन का पेपर था उसका नहीं है। बट बार बार बच्चों की इतने कॉमेंट्स आ रहे हैं, इतने कॉमेंट्स आ रहे हैं कि हर एक स्टैंडर्ड की, फिफ्थ टू नाइन्थ, तो फोर्थ थर्ड सबके आ रहे हैं कि मिस क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कीजिए। तो क्वेश्चन पेपर अभी जो मेरे स्कूल का है, जो वो आने वाला है 27 अप्रैल तक, उसके पहले अगर प्रोवाइड हो गया तो मिल गया, क्योंकि अभी जो हमारा एग्ज़ाम का टाइम टेबल था वो थोड़ा बढ़ गया, 1 अप्रैल से हो गया है। इसलिए अभी तक वो नहीं आया है पेपर, लेकिन जो भी मुझे मिल रहा है मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दे रही हूँ। जितने भी क्वेश्चन पेपर मिल रहे हैं, जिन बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है कि मिस लास्ट ईयर के भी क्वेश्चन पेपर रहे तो प्रोवाइड कर दीजिए, तो या फिर जिन टीचर्स ने ये कमेंट्स बार बार, जिन टीचर्स के कमेंट्स आए कि प्रोवाइड कीजिए किस तरह से क्वेश्चन पेपर बनता है, जैसे अभी देखते हैं हम नए नए ज्वाइन होते हैं टीचर्स तो प्रॉब्लम होता है, तो उनके भी कमेंट्स आए कई सारे, तो यहाँ पे उनके लिए है, ये हेल्पफुल होगा किस तरह से क्वेश्चन पेपर बना सकते हैं, तो कितने मार्क्स के लिए क्या रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियर है, ये थोड़ा सा ब्लर है, तो जो ब्लर है वो मैं एकदम जूम इन करके बता देती हूँ। ये द है, द सम ऑफ, एक्चुअली क्वेश्चन पेपर ही ब्लर है। और जिन बच्चों का 1 अप्रैल से या 27 से या 29, 28 से एग्ज़ाम होगा, उनके लिए तो वो सेकेंड यूनिट टेस्ट वाला जो पेपर था, उस पब्लिकेशन का पेपर तो उनके लिए मिल जाएगा। बट जिन बच्चों का पेपर हो गया या हो रहा है या उसके पहले होगा, तो उन बेचारों को तो नहीं मिल पाएगा। उस चीज़ का मुझे खुद अंदर से बुरा लग रहा है कि बच्चे कितने टाइम से परेशान हो रहे हैं क्वेश्चन पेपर के लिए, बट क्या कर सकते हैं, अभी नहीं आया है। जो आया है हम उसमें से देख लीजिए, उस पेपर में से बहुत सारे बच्चों का सेम आया था, इसलिए बच्चे बार बार परेशान हो रहे थे। शॉर्टकट मत देखिए, जो भी है जितना भी है पढ़िए, जितने भी आपको टिक मार्क कराए गए हैं क्वेश्चन पेपर, ये मॉडल क्वेश्चन पेपर आपकी हेल्प के लिए होता है, ताकि इससे देखिए समझिए मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, क्वेश्चंस देखिए कैसे पूछे जाते हैं, क्योंकि नाइन्थ में आप अभी फर्स्ट सेमेस्टर का जैसे दिए हो वैसे ही रहता है, लेकिन क्वेश्चंस कौन कौन से रहेंगे वो इस तरीके से आपको, मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा मार्क्स का वो समझ में आएगा आपको। जितने भी मुझे स्कूल के क्वेश्चन पेपर मिलेगा मैं प्रोवाइड कर दूंगी आपको। ये आई थिंक 8 है, ये 9 है, ये 6 है और ये भी 8 है। ओके बच्चों, तो देखिए मुझे कमेंट्स आ रहे थे बच्चों के कि मैं शॉर्ट्स में ही प्रोवाइड करना जैसे सेकेंड यूनिट टेस्ट में, लेकिन ये अभी सेकेंड यूनिट टेस्ट का आपका 2020 मार्क्स के पेपर थे, तो फटाफट मैं आपको शो कर सकती हूँ, लेकिन ये पेपर्स बड़े अब देखिए आप 40 मार्क्स का है, 80 मार्क्स का है, तो ये मैं आपको शॉर्ट्स में प्रोवाइड नहीं कर सकती, फिर क्लियर आपको कुछ भी दिखिएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि जल्दी जल्दी स्क्रॉल करना रहता है, वो सिर्फ 1 मिनट का ही रहता है ना, 1 मिनट में मैं आपको कैसे प्रोवाइड कर सकती हूँ ये। चलिए एक बार ऐसे नॉर्मल पे देख लेते हैं पूरा क्वेश्चन पेपर, इसीलिए मैंने भी शॉर्ट्स में एक दो पेपर मैंने बनाया, जैसे मैथ्स का था, साइंस का था, मैथ्स और इंग्लिश का था, वो मैंने प्रोवाइड किया आपको शॉर्ट्स में, क्योंकि वो हो गया थोड़े में था, लेकिन अगर क्लियर नहीं होगा तो आप वापस से कमेंट्स आएंगे तो मैं वापस से बना दूंगी इस तरीके से लॉन्ग वीडियो। ओके, सारे डाइजेस्ट के आंसर्स अपलोडेड हैं, आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए, कोई भी वीडियो चाहिए, चाहे राइटिंग स्किल, चाहे जो भी, तो आप कमेंट में बताइए।